ये है मेरा आज का टेस्टी पोहा, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा ये टेस्टी वाला पोहा। ये देखिए, यहाँ पर मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैडम ने कहा कि मामा मैं आपके सर में मालिश कर देती हूँ, तो वही मेरा सर भी दबा रही है और मालिश भी कर रही है। कौन सी मालिश कर रही समझ में नहीं आ रहा, तो बाल खींच रही मेरे। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, मिलते मैं आपको थोड़ी देर में, और अभी बेटी से सेवा करवा रही हूँ, तो एंजॉय करती इसे थोड़ी देर। वैसे सर वो बहुत ही अच्छा दबाती है। चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। चल पिल्लू खरीदाई चाहता गोटला हक। ये देखिए, ये हमारी गोट है, ये एक ब्राउनिश कलर की है और ये दोनों ब्लैक है, छोटे बेबी, और ये एक गोट है। इनकी मम्मी जो है तो वो अब नहीं है। ए सोरा तिकड़े नुको अड़चण, चल चल ये चलो चलो, कैसे सताते हैं देखो। हाँ उधर कितना, ये देखो कितना बड़ा बड़ा सारा ग्रास है, और वहाँ जा रही क्या घर में नाश्ता बनाना है। देखो शाइनिंग मार रही है, बहुत ज़्यादा शाइनिंग मारती है। कैसे चल रही है देखो। अपने गोट से पिल्ले ना मैं नहीं करत, लाड लाड़ी लाड़ी नहीं करत, लाड नहीं करत। अरे इकड़े है बगे, हे इतने तिकड़े कड़ल नको पाड़ल दी तुला, इकड़े है चकड़ जा, ए चकड़। हाँ तिथे ये देखो नीचे कितना खंडर जैसा है, और नीचे जाने की बात कर रही है वो। तो चलिए, खेत से आने के बाद बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फ्रेश लग रहा है। ये मैंने यहाँ पर बनाई है गर्मा गर्म भिंडी, भिंडी मैंने फीकी बनाई है, और यहाँ पर मैंने अनियन टोमेटो की सुबह चटनी बनाई थी, तो बस वो थोड़ी सी बची हुई है। और यहाँ पर ये मैंने बनी है, क्या बोलते हैं उसको, गवार फली, यानी कि अनएजुकेटेड बीन्स, हमारे यहाँ पे इसे गवारी की शेंग बोलते हैं। और ये बनी है मेरी फेवरेट दाल, एकदम बहुत ही टेस्टी बने, बहुत सिंपल प्लेन बने। और यहाँ पर ये बर्तन थोड़े से मेरे पड़े हैं जिसे अभी मुझे साफ़ करना है, तो ये सारा खाना वगैरह लगाने के बाद सारा किचन साफ तो हो गया है, तो फिर बाद में अभी मैं करूँगी बर्तन साफ। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं अभी फ़िलहाल बर्तन साफ। और ये देखिए, यहाँ पर ये मेरी दाल रही थी, आपको दिखाना, ये दाल एकदम टेस्टी वाली बनाई है।
मैं दाल हमेशा टोमेटो डाल के बनाती हूँ, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी दाल बनती है, मुझे बहुत पसंद है। टोमेटो ऐसा दाल के साथ अच्छे से कुकर में पका कर बनाना, सिर्फ जीरा राई और लहसुन का तड़का लगा कर। तो चलिए अभी ये सारा जो डिनर का जो सामान है, मतलब जो भी चीज़ें मैंने बनाई वो उसे अच्छे से मैं यहाँ पर ढक के रख देती हूँ। और ये मैंने यहाँ पर स्वरा के लिए बनाया है लच्छेदार पराठा। पराठा बहुत ही टेस्टीदार बना है, बहुत इसके लेयर कितने हो गए आप देखिए, और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और इसकी खास बात ये है कि ये जो लेयर पराठा है, यानी कि लच्छा पराठा सॉरी, तो इसकी जो एक खासियत है वो है कि ये घी से बनता है। अगर आप चाहो तो ऑयल में भी बना सकते हो, बट अगर आप घी में बनाते हो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कुछ इस तरह से था। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी भिंडी को भी लाइक कीजिएगा। तो फिर चलिए, और साइड के बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन बाय 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 फ्रेंड्स, गुड नाइट। और हाँ, आज की भिंडी, आज का ब्लॉग स्वरा की मस्ती और हमारे गुट के बच्चे और खेत कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, करते मैं अभी पूरे घर की क्लीनिंग और मिलते मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 फ्रेंड्स, टेक केयर। ये मेरे घर में नाइट के टाइम पे कितना अंधेरा अंधेरा दिखता है, आप खुद ही देखिए। इसलिए मैं ज़्यादा नाइट का वीडियो जो है वो नहीं सेंड करती हूँ। हाँ, ये पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो मैं ये स्वरा को दिखा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको अभी कितनी बार, शायद मैंने तीसरी बार कहा है, क्या करूँ, आपसे विदा लेने का मन ही नहीं करता है। पर चलिए, नेक्स्ट डे तो मिलेंगे ना हम लोग, ये खुशी की बात है। तब तक के लिए बाय 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 फ्रेंड्स।